Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं घुटनों के दर्द के बारे में यानी नी पेन के बारे में. नी पेन जो है वो बहुत लोगों को परेशान करता है और जब आपकी एज 40 को क्रॉस करती है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो पेन है ये स्टार्ट होता है. और कुछ नी पेन देखा गया है कि जिन लोगों की एज बहुत कम है, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनको भी घुटनों का दर्द होता है. कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको चाइल्ड बर्थ के बाद नी पेन होता है. कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो नी पेन को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, यानी उन लोगों को बहुत ज़्यादा नी पेन होता है. तो इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत अलग अलग है और हम अपने बर्थ चार्ट के थ्रू ये समझ सकते हैं कि नी पेन हमें होता क्यों है, ऐसी कौन सी प्लेनेटरी वजह है जिसके कारण हम लोगों को नी पेन होता है. और अगर ये वजह आपके बर्थ चार्ट में आपको दिखाई देती है तो आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं. यानी अगर आपके बर्थ चार्ट में ये योग बन रहा है तो आप पहले से ही इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं. अगर आपको नी पेन स्टार्ट हो रहा है तो प्रॉपर मेडिकेशन लेके आप इसको ठीक भी कर सकते हैं. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नी पेन हम लोगों को होता क्यों है. अगर हम घुटने की बात कर रहे हैं तो घुटने का संबंध है हमारे 10th हाउस से. हमारी बॉडी का जो पार्ट है, हमारी बॉडी का जो पार्ट है घुटना, उसका संबंध आपके बर्थ चार्ट के 10th हाउस से. बर्थ चार्ट का 10th हाउस और दूसरा कैप्रिकॉन साइन. कैप्रिकॉन साइन का संबंध आपके घुटने से. शनि रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को, तो शनि का रोल भी यहां पर बहुत बड़ा है. अगर आपको जॉइंट्स की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं शनि का रोल भी इसमें रहेगा. बिकॉज शनि रिप्रेजेंट करता है दर्द को, पेन को, तकलीफ को. तो आपके बर्थ चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि घुटनों का दर्द एक्चुअल में होता क्यों है. देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में चला जाता है तो आपको घुटनों की तकलीफ हो सकती है. 10th हाउस के ऊपर अगर राहु, शनि, केतु का एस्पेक्ट पड़ता है तब भी आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है. जैसे सैटर्न अगर यहां पर प्लेस है तो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा. सैटर्न अगर यहां पर प्लेस है आपके बर्थ चार्ट में, सैटर्न का 7th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा. सैटर्न अगर यहां पर प्लेस है आपके बर्थ चार्ट में तो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपका यहां पर पड़ेगा. केतु अगर आपके बर्थ चार्ट में यहां पर है तो केतु का एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा. केतु अगर यहां पर है तो केतु का एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा. और राहु अगर यहां पर है या यहां पर है तब भी राहु का एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा 10th हाउस में. तो 10th हाउस के ऊपर अगर मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट होता है या पोजीशन बनती है, जैसे सैटर्न अगर यहां पर है या राहु यहां पर है या केतु यहां पर है, तब भी आपको घुटनों की तकलीफ हो सकती है. 10th हाउस का लॉर्ड अगर राहु, शनि, केतु के साथ कहीं भी प्लेस्ड है, राहु, शनि और केतु के साथ कहीं भी प्लेस्ड है, चाहे वो केंद्र में क्यों ना हो, तब भी आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है. 10th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, तब भी आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है. 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है, कंबस्ट होता है, राहु, शनि, केतु के साथ होता है, तो जो घुटने की तकलीफ है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि कैप्रिकॉन साइन अगर आपके 6th हाउस में आता है, अगर यहां पर कैप्रिकॉन साइन आता है, कैप्रिकॉन साइन यहां पर कब आएगा, जब आपका लियो एसेंडेंट होगा, यानी 5 नंबर साइन, तभी यहां पर कैप्रिकॉन साइन आएगा. और कैप्रिकॉन साइन अगर आपके 6th हाउस में आ रहा है तो 6th हाउस का संबंध है डिजीज से, यानी बीमारी से.
और जैसे मैंने बताया कि कैप्रिकॉन साइन जो है वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है। तो कैप्रिकॉन साइन का संबंध हो गया आपके घुटने से, और कैप्रिकॉन साइन का लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न। तो यहां शनि से संबंधित बीमारी यानी ज्वाइंट्स की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, ये सारी तकलीफ आपको हो सकती है। और इस कैप्रिकॉन साइन को अगर राहु यहां से देख लेता है, केतु यहां से देख लेता है, या राहु या केतु की प्लेसमेंट यहां पर होती है, या सैटर्न का एस्पेक्ट अगर यहां पर पड़ता है, सैटर्न मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस से सैटर्न अपने थर्ड एस्पेक्ट से आपके सिक्स्थ हाउस को देखेगा, सैटर्न अगर आपका यहां पर है नाइन्थ हाउस में तो अपने टेंथ एस्पेक्ट से यहां पर देखेगा, सैटर्न अगर आपका यहां पर है ट्वेल्थ हाउस में तो सेवेंथ एस्पेक्ट से यहां पर देखेगा, तब भी आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है। अगर आपका शनि कंबस्ट है, डेब्लिटेशन में है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, तब भी आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ आपको यह भी देखना है कि सैटर्न अगर केतु के साथ, होता है, अगर आपके टेंथ हाउस में होता है तो यहां पर जो आपके घुटने हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं कई बार, या केतु की प्लेसमेंट अगर आपके टेंथ हाउस में होती है, या केतु का एस्पेक्ट अगर आपके टेंथ हाउस में पड़ता है, या टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ होता है तो कई बार आपके घुटने जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो अगर आपके वर्ष आठ में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप अपने टेंथ हाउस को देखें, सिक्स्थ हाउस को देखें, शनि की पोजीशन को देखें, बिकॉज शनि रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, टेंथ हाउस की पोजीशन ठीक नहीं है, और सिक्स्थ हाउस में अगर कैप्रिकॉन साइन आ रहा है और कैप्रिकॉन साइन को अगर राहु शनि या केतु देख रहे हैं तो आपको घुटने की तकलीफ हो सकती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया घुटनों की तकलीफ के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।